लखीमपुर खीरी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर में इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड एवं सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज का संयुक्त मेघा अलंकरण एवं वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी आकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ। पिछले 4-5 माह से प्रयास कर रही थी कि नेपाल सीमा पर बसे जनपद खीरी जाकर वहाँ के लोगों से मिलूं, किन्हीं कारणों से यहाँ ना आ सकी। आज यह अवसर प्राप्त हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बेटे बेटियों से मिलने का मौका मिला। शिक्षा के लिए अनवर प्रयासों के लिए विद्या भारती एवं संघ को बधाई देती हूँ। विद्या भारती लगातार शिक्षा देने और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा, हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर छिपी उनकी प्रतिभाओं को और निखारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, भूख लगी है? उन्होंने भी हाथ उठाया, वह बोली, मुझे भी लगी, इसलिए हम भोजन को लेंगे। मौजूद छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति आपत्तिजनक प्रवृत्तियों से बचे, बच्चे भी एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें। इंसानियत के बगैर पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। ये जब बताया गया तो सोचिए कि ऐसे हमारे समाज में कई भाई बहन है जो ऐसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट की चिंता, शिक्षा की चिंता करते हैं, बेटी बेटियों की शिक्षा की चिंता करते हैं।